गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, सब ठीक? जी मैडम। मैं आखिरी सांसें गिन रही हूं। कहते हैं जिंदगी चंद सांसों का सफर है, बट वन कैन लिव अ लाइफ वर्थ डाइंग फॉर। मैं इस दुनिया में आई जिंदगी जी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे समझ पाती, उन्होंने मुझे मार डाला। मुझे किसने मारा, क्यों मारा, ये जानने के लिए आपको पहले मुझे जानना होगा। मैं एक प्रोफेशनल मॉडल थी, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल थी, लेकिन जिंदगी आगे क्या दिन दिखाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। और मेरा नाम था लैला। मेरा दिल हमेशा कहता था कि मैं एक सिंगर हूँ। 6 महीने पहले वो एक ख़ास दिन था जब मुंबई में मुझे वॉइस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। संध्या मोहन राज, उम्मीद करता हूं जो तारीफ मैंने सुनी है वो सही हो। विनायक जैसे ऑफिसर ने भी तुम्हें अपने बेस्ट स्टूडेंट माना है। थैंक यू सर। हाथ लगाया कुछ? इंक्वायरी जारी है सर, गला घोट कर मारा है सर। एग्जैक्ट डिटेल पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। क्या मकसद होगा कत्ल के पीछे? फिलहाल तो चोरी लग रहा है सर। उसे आखिरी बार जिंदा किसने देखा था? उसके बॉयफ्रेंड सतीश ने सर। कुछ पता किया उसके बारे में? जज लक्ष्मी देवी का पोता है सर। मामला नाजुक है, जरा होशियार रहना। अच्छा एक और बात, अगले 2 हफ्तों में मेरा ट्रांसफर है, इसका मतलब ये मेरा आखिरी केस होगा। मीडिया इस मामले को सनसनी बनाए उससे पहले हमें ये केस सॉल्व करना ही होगा। मैं कोशिश करूंगी सर। तुम्हारी कोशिश कमजोर पड़ी तो? वो सर मैं एक बात सुनो, IPS एक तरफ है, इसमें तुम्हें सिर्फ किताबी ज्ञान मिलता है, लेकिन फील्ड पर काम करना और बात है। देखो मेरा मशवरा है, विनायक की मदद ले लो, काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
लेकिन सर अब उनकी हालात को देखकर वो राजी होंगे या नहीं ये। उसे राजी करो, जानता हूँ थोड़ा मुश्किल है लेकिन आखिर में मान जाएगा। ऐसे दिमाग को हम जंग नहीं लगने दे सकते। हमारी शान है वो, 200 से ऊपर केस सॉल्व कर चुका है, उनमें से कुछ ऐसे जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए थे। हर कत्ल के पीछे एक कहानी होती है जिसका हीरो खुद कातिल होता है। बस इस कहानी को खोजो, जुर्म के पीछे छिपे जुनून को समझो और कातिल तुम्हारे सामने होगा। कोई सवाल? नो सर। गुड, क्लास डिसमिस्ड। चलो चलते। मैम, आपकी गाड़ी तैयार है? आओ संध्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ सर, कुछ बात करनी थी आपसे। चलते चलते बात करते हैं। मुझे मेरा पहला केस मिला है सर, मामला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। वाह, अभी से ये अंदाजा भी लगा लिया तुमने? वो बात नहीं है, हाई प्रोफाइल केस है इसलिए टेंशन है थोड़ा। अगर आपके ब्लेसिंग्स मिले तो। ऑल द बेस्ट। आई मीन आपका साथ हो तो। आई एम सॉरी संध्या, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका, अब ना वो भी साथ है और ना ही मुझ में खेलने की ताकत। कोई और बात करें? ओके सर। मुझे अब हॉस्पिटल जाना है, कुछ और? नहीं सर, कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं। साढ़े पांच कहा था, 6:30 बज चुके हैं। तुम्हारे साथ कभी नहीं बन सकती मेरी, खुद गर्ज हो तुम। सॉरी सर। इट्स ओके, ऐसा ही रहा है हमेशा। आपका दर्द समझती हूँ सर। ना कभी अच्छा बाप बन सका और ना पति। इसमें आपका क्या कसूर है सर? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, बिल्कुल अजीब सा। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, किसी का कसूर नहीं। मेरी हमू को उस दिन बाहर जाना ही नहीं था। टीवी पर कोई वॉइस ऑफ इंडिया का फाइनल्स देखना चाहती थी, मैं नहीं उससे जबरदस्ती की। अगर नहीं की होती तो शायद। क्या कह रहे हो सर? आप ही तो हमेशा कहते हैं इत्तेफाक जैसा कुछ होता नहीं, सब कुछ एक रचना का हिस्सा है। इस केस में जिस लैला का कत्ल हुआ है वो वॉइस ऑफ इंडिया किताब की विजेता रही है सर। एक बार सर इस फाइल में रखी तीसरी तस्वीर जरूर देख लेना। क्या नाराजगी है, कुछ बोलोगी? बात करने का मूड नहीं है मेरा। शायद ये आखिरी बार हो कि हम दोनों बात कर रहे हैं। क्यों? जल्दी ही तुम पढ़ने के लिए कॉलेज चली जाओगी, वहाँ वक्त मिलेगा तुम्हें मुझसे मिलने का, तुम्हारी माँ को भी बहाना मिल जाएगा हमें अलग करने का। आप मुझसे टाइम की बात कर रहे हो डैड? केस के ऊपर केस, टाइम तो आपके पास मेरे लिए है ही नहीं। जानता हूँ मेरा कसूर है बेटा, पर क्या करूँ, काम ही मेरा ऐसा है। सॉरी डैड, मुझे आपका दिल नहीं दुखाना था। डैड!
बड़ा बन के बैठा है ये विनायक। बिल से निकला क्या है? हाँ सर, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया सर। सारा एविडेंस देखते हुए ये केस हम खुद सॉल्व कर सकते हैं सर। अच्छा? हाँ सर, सीसीटीवी फुटेज और बाकी सब रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये लड़की सिर्फ पिछले 2 महीने से मद्रास में रही है। उसकी कोई फैमिली नहीं है, पता चला एक मैनेजर है, हम उसी को ही ढूंढ रहे हैं सर। कहाँ थी रे तू इतने साल से संध्या? मैं ना इस केस को निपटाने का एक किलर आइडिया देता हूँ तुमको। सुन, शहर में बहुत से लुक्खे लोग मिलेंगे भटकते हुए, उनमें से एक को पकड़ो, 2 चमाट लगाओ, तीसरे चमाट पे बुलवा लो, मामला खत्म, केस बंद। सर ये मेरे असूलों के खिलाफ है। असूल वसूल आईपीएस, हाँ? फिर जाओ, जो करना है करो, मुझे उससे क्या। वो कौन लैला बेबी डॉल, दूध की धुली थी, हाँ? नागिन की चाल चल के कमर बल खा के खुद को हिरन बोलती थी। लड़की कैसी होनी चाहिए पता है, हाँ? नजर झुकी तो बची, उठी तो दुर्घटना घटी। ठुमक ठुमक के, मटक मटक के चलेगी तो मर्द के मुंह में तो पानी आएगा ना, हाँ? मेरी भी लार टपकेगी। उससे पूछो अपनी बेटी के बारे में भी यही बोलेगा क्या? ओए, जरा जबान संभाल के, तिलक सर की वजह से चुप हूं मैं, समझा? चुप रहना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। चुपचाप टेबल के नीचे वाला काम करते रहो। मैं तो ये केस फाइल लौटाने आया था, लेकिन अब मेरा इरादा और है। इससे कह दो इस केस में मैं तुम्हारे साथ हूं। इस चले हुए कारतूस को बोल दे केस 1 हफ्ते में बंद होना चाहिए, नहीं तो शाणे को यहां से लात मार के निकाल दूंगा, समझा दे इसको। उठ। बलराम की कोई खबर? ट्रांसफर हुई है सर, पता करती हूँ कहाँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? मौत हुई दम घुटने से, ये बात साफ है, पीछे से किसी ने गला घोट कर मारा है। मौत हुई कब? रात के 11 और 12 के बीच सर। उसकी घर की नौकरानी मेघना ने पहली बार लाश को देखा। वो अंदर कैसे गई? मैडम ने मुझे एक डुप्लीकेट चाबी दी थी ताकि मैं सुबह आऊं तो उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। मुझे साथ रहने के लिए भी कहा था, मैंने ही मना किया था। कल मैडम से मिलने यहाँ कौन कौन आया था? कोई भी नहीं, जब मैं शाम को जाने के लिए निकली तब। मेघना, अभी आई मैम। क्या बात है मैम? वो मेरी वाइट ड्रेस को प्रेस कर दोगी प्लीज? जी। क्या हुआ मैम, ये गोलियां किस लिए? जरा सर दर्द है और कुछ नहीं। ये तो आयुर्वेदिक लेप से ठीक हो जाएगा, आप कहें तो लगा दूं? उसके लिए अभी टाइम नहीं है, वो आता ही होगा। वो कौन? उनके खास दोस्त सतीश सर, वो हाईकोर्ट की जज है ना, उनका बेटा। मैं लैला को देखना चाहता हूँ प्लीज। सॉरी सर, लाश पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। जैसे सूरज से उसी का कोई टुकड़ा अलग होकर दूर गिरा हो, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। उसकी गर्मी से टपकता लावा पिघल कर गहरा समंदर बन गया, पर्वत बने, तूफान बने, जिंदगी का आगाज हुआ, हवाओं के बहने से फिर एक शोर उठा। मेरा जन्म जैसे कुदरत का कोई श्राप है, और तुम्हारा जन्म कुदरत का कानून। मैं जीता हूं अपने कानों में पड़ने वाले संगीत के लिए, पर तुम्हारी सांसों से सुंदर संगीत आज तक नहीं सुना। कौन हो तुम?
मेरी और लैला की मुलाकात एक क्लब में हुई थी। मैं वहां पर उस रात को गाना गाने गया था अपने बैंड के साथ। ऐसा लगा कि वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी। सारे शहर में चर्चा हो रही है, सब तुम्हें वॉइस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। किसने कहा तुमसे? I don't know who's feeding you these stories. आओ, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। Do you mind? मैं अपना अगला एल्बम बनाने वाला हूं जिसमें तुम मेरे साथ गाओगे। बस फिर उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई। मैं सुर बनाने लगा और लैला ने अपनी आवाज से मेरी धुनों में जान डाल दी। कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि उसके सिवाय और कुछ दिखाई ही देना बंद हो गया। एक बात बताओ, कल उसके घर क्यों गए थे मिस्टर सतीश? मैं कल रात उसके घर उसे डिनर के लिए पिकअप करने गया था। उस एल्बम का आगे क्या हो रहा है सतीश? ऑलमोस्ट पूरा हो गया। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी लग रही है। वो आवाज मुझे काफी जानी पहचानी लगती है। ओह, इसीलिए मैं जो कहती हूँ उसे रिकॉर्ड करते रहते हो ना? शायद। तुम अजीब हो। आपके लिए। सो अब आगे क्या? डेजर्ट। क्या सतीश, तुम जानते हो ना मैं डेजर्ट नहीं खाती। मेरा मतलब था काम में आगे क्या कर रहे हो तुम? पहले इसे तो खत्म कर लो। अब ये क्या अजीब सी जिद है? ऐसे करते हो तुम लड़की को प्रपोज? वहां से कब निकले तुम? 11:15 के आसपास। क्या तुम्हारी कार अब भी वही है? हाँ। रात को घर कैसे गए तुम? मेरी कार में कुछ प्रॉब्लम थी तो उसे वहीं छोड़कर मैंने कैब बुला ली थी। लैला के बर्ताव में कुछ अजीब सा या शक पैदा करने वाली बात नजर आई तुम्हें? जब मैं बाहर कैब के लिए रुका हुआ था तब लैला की अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी। लैला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं सतीश, डोंट वरी। अरे एक परछाई देखकर डर गई थी मैं, और कुछ नहीं। आई एम ऑलराइट नाउ। ऑफ कोर्स, अब तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। तो मैंने ठीक है कहा और मैं वहां से चला गया। मुझे रुकना चाहिए था ना? तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कोई हो सकता है? एक्सक्यूज मी? पता है अजीब है, तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, पर जवाब जानना जरूरी है सतीश। क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है? लैला के फ्रेंड सर्कल में मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं जानता। अर्जुन? हाँ, अर्जुन वासुदेव, वो एक फैशन फोटोग्राफर है। एक्चुअली लैला को मुझसे सबसे पहली बार मिलवाने वाला अर्जुन ही था। थैंक यू मिस्टर सतीश। इंटरव्यू खत्म हुआ 12:05। कम से कम मैं लैला के घर तो जा सकता हूँ ना? सॉरी सर, ये तो क्राइम सीन है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के क्लियरेंस के बिना कोई नहीं जा सकता। क्या हो रहा है यहाँ? लड़की के कत्ल की इंक्वायरी है योना, मामूली सवाल था बस। फिर मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? हमने फोन तो ट्राई किया था, स्विच ऑफ आ रहा था। अगर अगली बार यहाँ आना
तो प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आना। यस योर ऑनर। जिसने क्राइम रिपोर्ट किया था उस सिक्योरिटी गार्ड मांजरेकर की ये रिकॉर्डिंग है। मैं मिलिंद मांजरेकर मैडम, सुबह का 7 बजा होगा। मैं मेघना का चीखने का आवाज सुन के फ्लैट की तरफ भागा। सोफा पे लैला मैडम का लाश गिरा था, तभी तो मैंने तुरंत पुलिस को फोन करके बुलाया। मैडम को तुमने आखिरी बार कब देखा था? रात 10:30 बजे मैडम। वो वापस कभी गया था ये पता है तुमको? कुछ 11 बजे होंगे। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, कल शोरूम से कोई सुबह आएगा तो उसे चाबी देना। ठीक है सर, दे दूंगा मैं। लैला क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आर यू ओके? दरवाजा खोलो। कुछ नहीं सतीश, डोंट वरी। लैला दरवाजा खोलो यार प्लीज। अरे एक परछाई देखकर डर गई थी मैं, और कुछ नहीं। I'm all right now. Are you sure? साहब टैक्सी आ गई। Of course. अब तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। Okay. Take care. Bye. पर उनकी आवाज कुछ अजीब ही लग रही थी मैडम, इसके वास्ते मैं वापस चेक करने दरवाजे के पास गया। अंदर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या कहा? सच में मैडम मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम उसे पहचान लोगे? पहचान नहीं पाऊंगा मैडम, जब मैं ड्यूटी पे आया तब मैडम का दरवाजा लॉक था, शायद जादव के शिफ्ट के टाइम पे आया होगा। तुमने उसे आते टाइम नहीं देखा ना, पर जाते टाइम? मैडम वो बाहर ही नहीं निकला कभी। ये कैसे हो सकता है, अचानक गायब हो गया? मेरे को वही तो समझ में नहीं आ रहा है। और साइड में दरवाजा का क्या, उससे गया होगा? इमरजेंसी एग्जिट है मैडम, ये दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुलता है और फिर खुलने के बाद अलार्म बजता है। गुड मॉर्निंग सर। तुम ही जादव हो? हाँ सर। कत्ल वाले दिन कब से कब तक की ड्यूटी रही थी तुम्हारी? सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सर। साढ़े 8 बजे मैनेजर की एंट्री है, कौन है ये? उसका नाम तो मुझे पता नहीं है सर, लेकिन कभी कभी मैडम से मिलने आता था। वो पुराना पिक्चर का कॉमेडी कैरेक्टर जैसा, बाटला सुखदा, थोड़ा सा दाढ़ी भी रखा है। सब कुछ मैडम को पहले ही बता दिया है। कोई बात नहीं, फिर से बताओ मुझे। लैला है कि नहीं पूछा उसने। और तुमने क्या जवाब दिया? नहीं सर। मेरे को भी ना रहा तू। सचमुच वो बाहर गई है सर। अबे खजूर मैड़ा दिखता है, तू ना खाली बिल्डिंग का सिक्योरिटी है, अपुन लैला का खास सिक्योरिटी है। ये है बबलू, अपने आप को मेरा मैनेजर कहकर इंडस्ट्री में घूमता है। मैंने ध्यान नहीं दिया, जिस अनाथालय में मैं पली बढ़ी वहां इसी की माँ ने मेरा काफी ख्याल रखा। अपुन दरवाजा खटखटाएगा, लैला खोलेगी, देखने क्या तेरे को? हमको क्या देखना है, जाओ जाकर तुम ही देखो। ये भी सही है। जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। यहाँ सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा है। हाँ जी सर, बिल्डिंग बनी तब से यही है, पर ये काम ही नहीं करता है सर, बंद है। इस बंदे के बारे में कुछ पता चला? हाँ इंक्वायरी जारी है सर। वो यहाँ का नहीं है, सीसीटीवी फुटेज की इमेज क्लियर नहीं है सर, साइबर यूनिट काम कर रही है। पिछले 2 दिनों से? सर शायद वो मेघना जानती होगी कि वो कौन है। मेघना को मुझसे मिलने भेजो। ठीक है सर।
मेघना के जाने के आधे घंटे बाद सतीश लैला को रेस्टोरेंट ले जाने के लिए आता है। खुद को मैनेजर कहने वाला आदमी 8:30 बजे घंटी बजाकर चला जाता है। मांजरेकर की ड्यूटी के वक्त सतीश और लैला रेस्टोरेंट से वापस लौटते हैं। 11 बजे जब सतीश टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है तब लैला के चीखने की आवाज आती है। पूछने पर कहती है कि कुछ नहीं था, पर मांजरेकर के मुताबिक अंदर कोई था जिसे आते जाते किसी ने नहीं देखा। वो जो भी था ना बाहर से अंदर गया ना अंदर से बाहर, अद्भुत का था। क्या लगता है तुम्हें? चोरी का ही मकसद लगता है सो, पर चोर किसी खास चीज के पीछे था। उस लॉकर के अंदर की चीजें गायब है, जाहिर है वो चीज उसे वही मिली होंगी, इसलिए उसने उस अलमारी को छुआ तक नहीं। काफी मेहनत लगी होगी उसे ये खोलने में। ये तोड़ा नहीं जा सकता, चाबी से ही खुल सकता है, और ये तिजोरी किसी और ने खोली थी। समझी नहीं सर। इस पर 2 लोगों की उंगलियों के निशान हैं, और वो दूसरा शख्स मंझा हुआ चोर है। यहां कोई जबरदस्ती नहीं घुसा था। उस टेबल लैंप को जोर से धक्का देने पर भी वो इतना दूर नहीं गिर सकता। सही कहा, यह एक सेटअप है। कातिल हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यहां आने के बाद उसने उस अलमारी को छुआ तक नहीं, इसलिए कि अलमारी को ताला लगा था और चाबी अंदर की तरफ थी। नहीं सर, अलमारी खुली ही थी, चाबी अंदर की तरफ ही थी सर। जब कातिल यहां था तब ताला लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है? कत्ल होने के टाइम पर मांजरेकर बता रहा था कोई अंदर था। गलत, एक नहीं 2 लोग थे। क्या 2 लोग? एक खुद कातिल और दूसरा चश्मदीद गवाह। कातिल ने अलमारी खोलने की कोशिश की थी, अलमारी लॉक थी इसलिए वो उसे खोल नहीं सका। क्या? नहीं समझी? कातिल को इस गवाह का पता नहीं था क्योंकि गवाह अलमारी के अंदर छिपा था। तिजोरी की उंगलियों के निशान नेशनल क्रिमिनल डेटाबेस भेज दो। अभी करती हूँ सर। क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो तुरंत मिल जाएगा। आपका मतलब वो दूसरा आदमी? राइट, उससे पूरी कहानी मिल जाएगी। आसपास ही होगा, नजर रखो। पर वो अचानक घर में कैसे घुसा आया, कोई आइडिया नहीं है? मेरे पास एक आइडिया है, टाइम आने पर बता दूंगा। सर, तुम ही मेघना हो? कल तुम्हारी ड्यूटी के वक्त कोई और भी था यहाँ पे? कोई नहीं था सिवाय मैडम। हो सकता है तुम्हें पता ना हो, कोई छुप कर बैठा हो? नहीं हो सकता सर, मैंने पूरा घर साफ किया था और जाने से पहले सब कुछ चेक भी किया था। उस अलमारी के अंदर चेक किया था आपने? किया था सर, अंदर से एक ड्रेस निकालकर प्रेस भी की थी मैंने। और वो चाबी हमेशा अंदर की तरफ होती है? नहीं सर। सोच समझ कर जवाब दो, कल वो चाबी अंदर थी या बाहर? बाहर ही थी सर, मेरी ड्रेस भी उसमें अटक कर थोड़ी फट गई थी। यहाँ कोई छोटी दाढ़ी वाला दुबला पतला सा लड़का आता था? ओ, तो आप बबलू की बात कर रहे हैं? वो आता है कभी कभी, 10 दिन पहले ही तो यहाँ आकर गया था वो।
दफा हो जाओ यहाँ से। आज चिल्लावा जा रहा है। शक्कर, यहाँ कुत्ता किसके पास है? विनोद नाम का लड़का है सर, मैडम को बहुत पसंद करता है, थोड़ा दिमाग से कमजोर है, बाजू के फ्लैट में ही रहता है वो। उससे पूछताछ की है? नो सर, पता नहीं उसकी गवाही मायने रखती है या नहीं। तुम बाहर वेट करो, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। ठीक है सर। लैला के फ्रेंड सर्कल में मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं जानता। अर्जुन वासुदेव, वो एक फैशन फोटोग्राफर है। लैला को मुझसे सबसे पहली बार मिलवाने वाला अर्जुन ही था। चलो कथा चिट्ठा निकालते हैं अर्जुन वासुदेव का। फैशन फोटोग्राफर अर्जुन वासुदेव, जिसे गुस्सा बड़ी जल्दी आता था, अच्छा दोस्त था मेरा। ओ, हिप को सीधा करो ना, और पीठ को भी सीधा करो, शुरू करो। okay. और चलो। okay. तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्या करूं मैं? साउंड कट। उससे मेरी मुलाकात बॉम्बे में मेरे पहले फोटोशूट पर हुई थी। उससे डरने की जरूरत नहीं है, नजदीक आओ। उसकी रानी कोई गुड़िया नहीं, गुड्डा है। कोई बात नहीं, कम से कम दोनों खुश तो है। 2 महीनों बाद उसने मेरा नाम एक बहुत ही बड़े ज्वेलरी ब्रांड को सजेस्ट किया। उसने मुझे तुरंत मद्रास जाने को कहा। पहले मैंने मना किया, लेकिन 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे मैंने अपना इरादा बदल दिया। एक्सक्यूज मी। यस। अर्जुन कहाँ मिलेगा? आप कौन? चलो पोज दिखाओ, मुझे परफेक्ट पोज चाहिए, नो मिस्टेक्स। हाँ, थोड़ा इधर। ए, कैसे पोज कर रही है तू? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? तू ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। भाड़ में जा तू। ए मिस इंडिया, ऐसी जगह भेजूंगा ना कोई पूछेगा नहीं तुझे। चल भी अपना काम कर। चलो भाई लोग, बहुत काम बाकी है। अर्जुन, अर्जुन पुलिस आई है। क्या क्या टाइप का बंदा है अर्जुन? घटिया किस्म का इंसान है। ये तुम कैसे कह सकते हो? देखो ये क्या किया उसने, बेचारी हॉस्पिटल में है। कौन है ये? प्रमिला। उसने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? प्रमिला बहुत डर गई थी बेचारी, हर कोई डरता है उससे, और वजह यही है कि इंडस्ट्री में बहुत चलती है उसकी, कोई पंगा नहीं लेता। ये जानते हुए भी लैला ने 3 दिन पहले उससे पंगा ले लिया। इस बार कुछ अलग करते हैं सर, ये मॉडल्स को छोड़कर आम लड़कियों को ले लेते हैं। आपका जाना माना फैशन ब्रांड है और एज ग्रुप को देखते हुए भी। सॉरी गाइस, इनकी शादी की बात करने आई हूँ। अर्जुन क्या तुम शादी कर रहे हो? ऑफ कोर्स। हमें पता ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी होने वाली पत्नी एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। क्या है ये सब? प्रमिला हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर है। तुम्हारी मंगेतर को बता दूं? धमकी दे रही हो? अगर धमकी देनी होती ना मुझे, तो तुम्हारी मंगेतर को देती। उसको बीच में मत लाओ, शादी कैंसिल कर। ए सुन, मुझे क्या करना है मुझे मत सिखा। अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है अर्जुन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा। दैट्स ओके। अर्जुन वासुदेव इंटरोगेशन। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है? गिर गया था, पैर फिसल गया था। तो हम लैला की बात करें? यकीन नहीं होता, बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी। सुना है 3 दिन पहले तुम दोनों में प्रमिला नाम की मॉडल को लेकर कुछ नोकझोंक हुई थी अर्जुन। जरा सी बहस हुई थी और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी मंगेतर को पता चले तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, राइट? तुम कहना क्या चाहती हो? मकसद मिस्टर अर्जुन वासुदेव, कत्ल करने के लिए काफी है ये जानकर कि तुम्हारी वायलेंट हिस्ट्री भी रही है। यू आर राइट, ऐसा लग सकता है, लेकिन मेरा लैला के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। दरअसल प्रमिला ड्रग एडिक्ट है,
उसने मेरा नाम बदनाम किया, इसलिए मुझे उस पर काबू पाना पड़ा। बस एक और दम। नो प्लीज। आई सेड नो। ए, क्या बकवास कर रहा है? मंत्री की बेटी से शादी कर रहा है तो क्या, तू खुद तो नहीं बना ना? बेहूदा बात मत करो, उसे इसमें क्यों घसीट रहे हो? सुनो, हाथ मत लगा, खुद को क्या समझता है? मुझे रोकेगा तू? जा शादी कर ले उससे। मैंने कहा रुको। कुछ नहीं सुनना तुझसे। मैंने उसे नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट था, और ये सारी बात मेरी मंगेतर जानती भी है। लैला के कत्ल की रात तुम कहाँ थे अर्जुन? यही था, स्टूडियो में, एक मॉडलिंग असाइनमेंट की तैयारी कर रहा था, सुबह ही घर लौट पाया। फिर इस तस्वीर में ये कौन है? पूरे 1.5 घंटे तक सड़क का सीसीटीवी कैमरा नंबर 18 साफ बताता है कि तुम रात को 11 बजे निकले, 12 बजे लौट आए। वो मैं सिगरेट पीने बाहर गया था। 10:53 पर लैला का तुम्हें मैसेज आया था, पढ़ के सुनाऊं? ठीक है ठीक है। किसी खास वजह से वो मुझसे तुरंत मिलना चाहती थी। उसने मुझे टेक्स्ट किया और कहा कि मैं साइड डोर से अंदर आऊं। मुझे लगा कि वो झगड़ा खत्म करना चाहती है। मैं वहां पहुंचा तो साइड डोर को ताला लगा था। पर सामने का दरवाजा क्यों नहीं लिया? उसने मुझे खास तौर पर कहा था साइड डोर से आने के लिए, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने फोन भी ट्राई किया, उस तरफ से किसी आदमी की आवाज सुनाई थी। कॉल रिकॉर्ड्स तो कैंसिल कॉल बताते हैं। वो मुझे नहीं पता मैडम, मैंने तो एक आदमी की आवाज सुनी थी। फोन उठाया नहीं तो इसने आवाज कैसे सुनी होगी? अगर उसे लगता है कि हम बेवकूफ हैं, फिर तो बात हमारे फायदे की ही है। वो भी लैला के घर में घुसा था। पर ये कैसे हो सकता है? साइड डोर खुलते ही अलार्म बज उठता है। उस अलार्म को खामोश करना बड़ी बात नहीं है। अगर उस घंटी और लकड़ी के बीच कोई चीज अटकाई जाए तो वो बचेगा नहीं। लेकिन लैला ये क्यों करेगी? किसी और ने उसके लिए दरवाजा खोला था। मतलब ये वो दूसरा शख्स है जिसकी हमें तलाश है? नहीं, अर्जुन इज अ थर्ड मैन, तीसरा शख्स। ठीक से समझाएंगे सर, ये केस ने मुझे कंफ्यूज करके रखा है। अभी तो ये केस दिलचस्प होना शुरू हुआ है, मजा आ रहा है मुझे। थैंक यू अर्जुन, कुछ और बताना हो तो फोन कर देना, और शहर से बाहर जाना हो तो बता देना। ठीक है। इंटरव्यू खत्म हुआ 11:50। कुत्ता किसके पास है? विनोद नाम का लड़का है सर, मैडम को बहुत पसंद करता है, थोड़ा दिमाग से कमजोर है, बाजू के फ्लैट में ही रहता है वो। विनोद, तुमसे मिलने पुलिस आई है बेटा, जरा बाहर आओगे तुम? विनोद से भी मेरी पहली मुलाकात काफी दिलचस्प थी। ओए रोनी, रुक! अबे मरना है क्या? चश्मा काय को पहना है? दिमाग खराब है तुम्हारा? सब लोग मुझे पागल बुलाते हैं। किसी चीज की असली कीमत तब पता चलती है जब वो हमसे दूर चली जाए। ऐसा ही था विनोद, मुझे पता चला कि वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसके साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार बन चुका था। बहुत मिस करती हूँ उसे। इसे पहचानते हो ना तुम? जवाब दो। लैला, लैला मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं ना? उसने अपनी कुछ सीक्रेट्स शेयर किए थे तुमसे? मुझसे शेयर नहीं करोगे तुम? क्या हुआ? ये बताओ, तुम मुझे पसंद करती हो या उसे पसंद करती हो? सतीश ना? हाँ वही। हम दोनों एक एल्बम पर साथ काम कर रहे हैं, बस इतना ही।
और तुम असली वाले दोस्त हो मेरे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो ना बहुत ज्यादा मूडी टाइप है। हे सतीश, इतनी देर तक काम कर रहे हो? हाय। मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। सतीश। या मैंने। क्या हुआ तुम्हें? या मैंने। सतीश। या मैंने। सतीश। नाम क्या बताया था? यामिनी। 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 और क्या शेयर किया उसने? जो भी हो बिना डरे बता सकते हो मुझे, इससे लैला के कातिल तक हम जल्दी पहुंच पाएंगे। लैला का कातिल कौन है मुझे अच्छे से पता है। उसे देख के पहचान लोगे तुम? कंप्यूटर जीनियस है। ऐसे बच्चे अक्सर होते हैं, कुछ क्षेत्रों में कुछ ज्यादा ही दिमाग तेज चलता है इनका। इसका हर डिटेल चाहिए, कहां रहता था, किससे मिला, सब कुछ, पूरी हिस्ट्री निकालो। हिस्ट्री भी चाहिए और ज्योग्राफी भी। शुक्रिया। थैंक यू। ये वही आदमी था जिसकी वजह से मैं मुंबई छोड़कर मद्रास आ गई। अरे बैठो बैठो, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, गुड शो। शुक्रिया। ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। आदित्य कौशिक। हाय। यहाँ मुंबई में मेरी मॉडलिंग एजेंसी है। मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तुम्हें? नहीं कुछ खास नहीं, मैं यहाँ मुंबई में सिंगर बनने आई हूँ। मॉडलिंग का कुछ खास शौक नहीं है मुझे। जरा आराम से लैला, मॉडलिंग से तुम पब्लिक में नोन हो जाओगी, जिससे सिंगिंग करियर में चार चांद लग जाएंगे। सोच लो, फायदा तुम्हारा ही है। हियर इज माई कार्ड, मुझसे हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखो, मैं तुम्हें जन्नत की हूर बना दूंगा। फिर मुंबई की चकाचौंध मॉडलिंग की दुनिया ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मुंबई मॉडलिंग एजेंसी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी, और ये उसकी मालिक थी। मुंबई की इमारतों जैसे आसमान छूना है तुम्हें, वैसे ये शहर नहीं जंगल है। और इस जंगल के कायदे तब से हैं जब से आसमान, और जो ये कायदे मानेगा वो आगे बढ़ेगा, पर जो ये कायदे तोड़ेगा मस्ट डाई। तो खिलौने की गुड़िया में अक्ल भी है, बहुत जल्द ही दुनिया जीत लोगी तुम। तैयार रहना और खुदगर्ज बनना। तुम्हारा शरीर तुम्हारा गहना है, तुम्हें जरा भी चर्बी चढ़ी
तो उठाकर बाहर फेंक दूंगी मैं। वेलकम टू BMA। थैंक यू मैम। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी बदलने लगी। जितने पैसे कभी एक साथ देखे भी नहीं थे उतने एक चेक में मिलने लगे। जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से गुजर रही थी कि वो चमचमाती दुनिया नकली थी पता ही नहीं चला। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे जिंदगी का रुख ही पलट गया। ये तब हुआ जब मुझे इंटरनेशनल स्टेज पर मॉडलिंग करने का मौका मिला। आदित्य कौशिक ने मुझे होटल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाया। मैम यकीन मानिए, लैला इज द बेस्ट। या 100%। यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट है ना मैम, और साइन भी हो चुका है। ऑलराइट, ओके बाय। तो लैला, ये वक्त सेलिब्रेशन का है? नहीं, मैं नहीं लूंगी, थैंक्स। कहीं पढ़ा है मैंने, एक ग्लास शैंपेन से फिगर खराब नहीं हो जाता, ट्रस्ट मी। आधी मैं नहीं पीती। ओके ओके ओके। अच्छा तो सॉफ्ट ड्रिंक तो चलेगा ना? ये है ना, थैंक्स। पानी के साथ नहीं, पानी के साथ चीयर्स करने से मौत पास आ जाती है। क्यों दे हम मौत को दावत। लॉक खोलता हूं, रिलैक्स, अब पियो पानी। मैंने सपना देखा है तुम्हें स्टार बनाने का, जो मैं पूरा करूंगा ही। सेलिब्रेट करना चाहता था तुम्हारे साथ, क्योंकि कामयाबी और तुम्हारे बीच सिर्फ एक सिग्नेचर है। जादू की दुनिया की चाबी दे रहा हूं तुम्हें। ये चाबी किसी किसी को मिलती है। अब सवाल ये कि इस बेचारे जादूगर को क्या फायदा होगा? सब कुछ प्यार से होगा, आई प्रॉमिस। आदि, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, उस तरफ है। नाम ऐसे होने चाहिए, लैला 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 लैला। ओ मैन, लैला। जो जंगल का कानून तोड़ेगा वो डाय। बिल्कुल सही। राइट। आज तक सिर्फ दूसरों के इशारों पर नाचती आ रही हो ना तुम, लेकिन अब से सिर्फ वही करोगी जो तुम्हारा दिल कहेगा। बेवकूफ मत बनो। Learn to be selfish. लैला, तुम ठीक तो हो ना बेबी? तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आ जाऊं? आ गई आखिर मेरी ड्रीम गर्ल। What happened? आदि, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूं। क्या? What about the contract? ये कॉन्ट्रैक्ट ना फाड़ के फेंक दो। मैं अच्छी तरह जानती थी हम फिर से टकराएंगे। अगर उस दिन मैं उस होटल रूम में नहीं गई होती तो शायद आज जिंदा होती। गुड आफ्टरनून सर। आ जाओ बलराम।
कैसे हो तुम? अच्छा हूं सर। आओ जरा इस केस को समझ लो। बड़ा ही पेचीदा केस है। लैला नाम की एक लड़की, सिंगर मॉडल, उसका कत्ल शक की सुई एक से दूसरे पर जाती रहती है पर ठोस सबूत कोई नहीं मिलता। लैला के बॉयफ्रेंड ने उसके मरने से पहले उससे बड़ी ही अजीब तरीके से यामिनी नाम की लड़की का जिक्र किया था। इस अनजान यामिनी का इस कत्ल से गहरा ताल्लुक है। ये यामिनी कौन है उसका पता लगाओ। यस सर। पुलिस की तो बड़ी मूछें होती है ना, तो फिर आप क्यों शेव कर रहे हो? अरे बेटा पापा मूछे नहीं सिर्फ दाढ़ी कर रहे हैं। डैड! मैंने पूरा चेक कर लिया है सर, इस नंबर की कोई फाइल नहीं है हमारे पास। ऐसे कैसे नहीं है? ये तो पता नहीं है सर, आप चाहें तो जेल के रिकॉर्ड्स में भी चेक कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको एक आध कॉपी तो मिली जाएगी। हेलो, मालूम है तू ही चिलेला को मारा है। अब ये मुंह बंद कराने का है तो मुंह में पैसा भरना पड़ेगा। बोल मंजूर है तो डील करते हैं। हेलो मैं मुंबई जा रहा हूँ आदित्य से मिलने। ऑफिशियली नहीं जा सकता, सारी परमिशंस लेनी पड़ेंगी, लेकिन एक सिविलियन बनकर कहीं भी घूम सकता हूँ। तुम बस लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। अग्रीमेंट पर लैला ने साइन कर दी, ये तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम्हारी हरकतें मैं जानती हूं, जो चीजें ढकी हैं उन्हें ढकी रहने दो। इंडस्ट्री पर लगा काला धब्बा हो तुम क्या करोगे कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस अग्रीमेंट पर मुझे लैला के दस्तखत चाहिए, वरना मैं तुम्हारा इस ऑफिस में सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी। समझ गए? यस मैम। गेट लॉस्ट। आपसे मिलने के लिए वहां पुलिस वाले आए हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में बिठा। ठीक है मैं आता हूं। बताइए सर। 3 दिन पहले लैला का मर्डर हुआ था, तब तुम मद्रास में ही मौजूद थे ये मैं जानता हूं। लैला के हत्या के समय तुम उसके अपार्टमेंट के पिछले दरवाजे से निकलते पाए गए, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अब मैं क्या कहूं आपसे, आप तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो फिर अरेस्ट कर लूं तुम्हें? आपके पास कोई सबूत है? तुम्हें स्टेशन ले जाने के लिए काफी है,
अगर तुमने कोऑपरेट किया तो एक चक्कर बच जाएगा, सोच लो। What do you want to know? Your version. शुरू से शुरू करो। लैला से कहां मिले थे, क्यों मिले थे, कितने समय से जानते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लैला से मैं 6 महीने पहले मिला था, वॉइस ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन में। उसे देखते ही लगा कि ये कुछ स्पेशल है। फिर मैंने उसे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और लैला राजी भी हो गई थी। उसके बाद एक इंटरनेशनल ब्रांड की नजर बस लैला पर ही टिक गई। बेहद कम समय में, वो भी मुंबई में, शायद ही किसी ने इतनी कामयाबी देखी हो। लेकिन कामयाबी अपने साथ बदनसीबी भी लेकर आती है। इस चकाचौंध भरी दुनिया में वो खो चुकी थी। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लाखों करोड़ों की कमाई और बेशुमार शोहरत। मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में बात करने के लिए ही उसे होटल में बुलाया था। लैला, ये वक्त जश्न मनाने का है। लेट्स हैव सम शैंपेन। मैं नहीं लूंगी, थैंक्स। सम ऑरेंज जूस? ये है ना? जो तुम चाहो। थैंक्स। आई एम सॉरी आदि, ये सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। अच्छा तो कुछ मत कहो, जस्ट एंजॉय द मोमेंट। बट वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो लैला, वरना मेरी दिक्कत बढ़ जाएगी। ओके आदि, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, इट्स ऑल योर्स। तो साइन कर ले द कॉन्ट्रैक्ट। आदि, मैंने सोचा और मुझे लगता है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, बट थैंक्स एनीवे। उसके साथ मेरी वो आखिरी मुलाकात थी। तुम मद्रास आने के बाद इससे मिले थे? मद्रास आने के बाद बबलू से मिला था, यह सच है। लैला को ढूंढने में इसी ने मदद की थी। 2 महीनों के लिए लैला का कहीं कोई अता पता नहीं था। लैला मद्रास में ही है, इस बात की खबर मुझे बबलू ने ही दी थी। लैला के साथ इसका क्या रिश्ता था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने 1-2 बार लैला को बबलू के साथ देखा था। बबलू ने ही मुझे लैला के घर बुलाया था, चुपचाप साइड के दरवाजे से आने के लिए कहा था। वो मेन डोर खुला रखने वाला था और अंदर जाकर देखा तो लैला पहले से मरी हुई पड़ी थी। आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ऑब्वियसली मैं डर गया था। पहले से ही मेरी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं है और मैं उन परेशानियों में और इजाफा नहीं चाहता था, इसलिए मैं निकल गया। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। जरूरत पड़ेगी तो आपको मद्रास आना पड़ेगा। हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर से बाहर नहीं जाओगे। यही है वो जिसकी हमें तलाश है, बबलू। इस 5 किलोमीटर के दायरे में ही होना चाहिए उसे। लेट्स गो फाइंड हिम। जो मुर्गी सोने का अंडा दे रही थी उसी को काट डाला। अब मैं तेरी जेब काटूंगा। मेरे को 1 खोखा चाहिए। अगर नहीं दिया तो फांसी के फट्टे पे तेरे को खुद चढ़ाऊंगा, समझा कि नहीं? कौन बोल रहा है? तेरा बाप। हेलो, आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? ऑब्वियसली मैं डर गया था। पहले से ही मेरी जिंदगी में कम परेशानियां नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो आपको मद्रास आना पड़ेगा। जो चीजें ढकी हैं उन्हें ढकी रहने दो। इंडस्ट्री पर लगा काला धब्बा हो। हमें इन्फॉर्म किए बगैर शहर से बाहर नहीं जाओगे। जो मुर्गी सोने का अंडा दे रही थी उसी को काट डाला। कॉन्ट्रैक्ट
फाड़ के फेंक दो, वरना मैं तुम्हारा इस ऑफिस में सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं बचे हैं, भाग नहीं सकते अब तुम सिवाय अपने आप से। चलो आगे बढ़ो, शूट। हेलो, कहाँ रह गए थे आप? अम्मू की हालत बहुत खराब है, आपकी वाइफ वेट कर रही है। प्लीज डैड, मेरी फेवरेट सिंगर गा रही है, कल जाएंगे ना हम लोग, प्लीज। अरे हम बस आधे घंटे में आ जाएंगे, चलो मत जाओ। आप मेरी बर्थडे पार्टी पे आ जाओ ना, मैं मम्मी को समझा लूंगी, प्लीज डैड समझो ना। मुझे देखकर तुम्हारी माँ रूठ जाएगी, तुम्हारा बर्थडे खराब हो जाएगा, इसलिए मत जा। अमू, विनायक, फिलहाल तो वो स्टेबल है लेकिन उसकी हालत गंभीर है। अमू ये सब कब तक सहन कर पाएगी ये बताना मुश्किल है। हर बार इस ट्रीटमेंट के वक्त वो बहुत दर्द से गुजरती है। मुझे गलत मत समझना, एक डॉक्टर के तौर पे नहीं, एक दोस्त के हैसियत से। विनायक, इट्स टाइम टू लेट हर गो, अमू को आज़ाद करना होगा। मैं ये नहीं कर सकता डॉक्टर, मैं पहले ही अपनी बेटी को एक बार जीते जी खो चुका हूं, वो गलती मैं फिर से नहीं दोहरा सकता, प्लीज समझिए। विनायक, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अमू को कितनी तकलीफ हो रही है अंदाजा है तुम्हें? इतने दिनों तक मुझे लगा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, लेकिन अब जाकर मुझे पता चला तुझे जो ठीक लगे वही करना, जैसा भी तू चाहे, तेरे पापा साथ है तेरे। सॉरी सर, मुझे पता है ये आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन वो कष्ट में थी, अब उसे मुक्ति मिल गई है।
जिस आदमी को तुमने इंटरोगेट किया वो तो टपक गया संध्या। फोटो भी है अपने पास। आईपीएस के असूल आदर्श ज्ञान दे रही थी। हा? भारत रत्न चाहिए क्या? अब सुन, मैं बोलता हूं वैसे कर, ये केस क्लोज कर और चल आगे निकल, समझी? हट, भारत रत्न लेगी। मेरा एनकाउंटर करेगी क्या? अभी पुलिस ने घेर लिया अपने को, 5 मिनट में अरेस्ट कर लेंगे। R3 पुलिस स्टेशन बहुत जल्दी, और वो ह्यूमन राइट वाले शांताराम को भी भेज उधर। लॉज में कौन कौन रुका हुआ है? क्या हो गया सर? रजिस्टर दिखा। तू फंस चुका है, खाने तो दे, जल्दी कर। चलो चले, चल निकल। हेलो सर, आप अभी सेंट्रल जेल तुरंत आ सकते हो? क्या हुआ? 12 साल पहले यहाँ यामिनी नाम की एक लड़की का मर्डर हुआ था, और वो केस हैंडल किया था जज लक्ष्मी देवी ने। अगर अगली बार यहाँ आना तो प्रॉपर पेपर वर्क के साथ आना। यस योर ऑनर। साला पगार भी नहीं बढ़ती, बड़ा साहब भी झाड़ता रहता। बहुत सही बोला यार। साहब करीब 2 साल पहले एक केस के सिलसिले में मेरे बेटे ने आपसे मदद ली थी, और आपने तो चुटकियों में एक केस सॉल्व कर दिया था। मैं आपका वो एहसान कभी जिंदगी में भुला नहीं पाऊंगा साहब। रिकॉर्ड रूम तो खोल के रखा है लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता है। एक आध कॉपी तो यहां होनी चाहिए। अरे पता नहीं कहां है वो। अच्छा बेटा जरा इसे नीचे उतारना। अपनी 38 साल की नौकरी में मैंने आत्महत्या के 3 मामले देखे हैं, ये उसी में से एक है, और इसने अपनी ही बेटी को मारा था सर। इस छोटे से हृदय में रहते हैं कितने सारे बड़े बड़े अनगिनत खौफ। क्या है ये? मरने से पहले इसने इसमें कुछ लिख के रखा था। एक फोटो ले रहा हूं। अरे लीजिए ना सर। ये यामिनी का मर्डर लैला के मर्डर केस से कैसे जुड़ा है सर? वही तो हमें पता करना है। सच में लैला को कोई टपका दिया? नाटक करना बंद कर, तू लैला को कैसे जानता था? अबे आप पूछ रहे हो इसलिए बता रहे लो। लैला आप उनकी बीवी थी। क्या बकवास कर रहा है, मैनेजर है ना उसका तू? जब तुमको मालूम है तो पूछ काहे को रही हो? सुन बे, बैंक में चोरी करके 5 साल अंदर सड़ा है तू, मर्डर केस में तू अंदर ही दम तोड़ देगा, तमीज से। पड़को मत, पूछो क्या पूछना है। इसको पहचानता है? लैला का एजेंट है ये, इसको लैला से मिलने का था, इसीलिए मैं लैला के पास इलो की मीटिंग फिक्स कराने को गया था, लेकिन उसका घर ही बंद था। अगर लैला का घर बंद था तो तेरे फिंगरप्रिंट्स अंदर कैसे मिले? मैं किधर बोला कि मैं उसके घर में नहीं गया था, पर तुम जिस दिन का पूछ रही हो ना उस दिन नहीं गया। मैम आपको DGP सर ने अपने ऑफिस में तुरंत बुलाया है। क्या मैडम रूखा सूखा बात कर रही है, कुछ चाय नाश्ता तो कराओ मेरे को। Thank you.
एक चाय बोलूं क्या? अदरक वाली। बैठा गला खड़ा हो जाएगा तेरा। क्या साहब, सस्ते में निपटाने गए मेरे को? मटन बिरयानी मंगाओ तो मजा है। कीमा खाएगा? तेरी बोटी की बनी हुई। क्या हुआ, पैंट में मूत दिया क्या? क्या साहब, गरीब आदमी के मजे ले रहे हो ना। मेरे को मालूम है असली खूनी नहीं मिला तो मेरे को जबरदस्ती मार पीट के धमका कर बोलोगे कि इस खून को कबूल कराए ना? नहीं रे, तू तो मेमना है। तूने मर्डर नहीं किया पता है मुझे। तुझ में ना उतनी अकल है ना हिम्मत। तू एक भूखा जानवर है जिसे हड्डी चाहिए, लेकिन इस जानवर ने खून होते हुए देखा है। कौन था अंदर उस अलमारी में? अकेला बेसहारा जानवर, बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। अच्छा हुआ अंदर से बंद था दरवाजा। खूनी ने खोलने की कोशिश की लेकिन नहीं खुला। अलमारी का दरवाजा खुल जाता तो क्या होता जानवर का? मेरे हिसाब से तो मर जाता बेचारा। साहब, कितना भी घुमा फिरा के पूछो, आप उनका उस मर्डर के साथ दूर दूर तक कोई वास्ता है ही नहीं। ये उजड़ा चमन अब उनका वकील है, आगे की बात ये बोलेगा। स्टाइल अच्छा है। फुर्सत में मिलेंगे, अभी टाइम नहीं है। अब फुर्सत भूल जा बेटा। बोलिए, आप मुझे दे दीजिए, मैं दस्तखत करता हूं। हाँ दीजिए, मैं करता हूं। आप दो मिनट में उसे सच उगलवा सकते थे। सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। मैंने दो पुलिस वालों को उस पर नजर रखने के लिए कहा है। वो खूनी को जरूर कांटेक्ट करेगा। ये उसके कंप्यूटर से मिला है, इसमें से डेटा रिकवर करके समझ आ जाएगा वो किसके कांटेक्ट में है। इसे ठीक से चेक करो, समझे? समझ गया सर। सारे बॉक्स के टैग चेक करना, कोई गलती नहीं चाहिए। ठीक है सर। उसका भी टैग निकला है सर? हाँ निकला है। ओके सर, इसे लेफ्ट में रख दो अभी। ये तो वही रिंग है ना जो सतीश ने लैला को दी थी, लेकिन ये बबलू लॉक्ड दरवाजे में से अंदर कैसे गया होगा? जरा सोचो, बबलू ने डोरबेल क्यों बजाई होगी? कितना प्यारा सरप्राइज है, थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? बहुत पसंद आया। क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो अंदर आ रहे हो ना? हाँ आता। बबलू के फोन रिकॉर्ड्स देखते हुए उसने अर्जुन और आदि दोनों को कांटेक्ट किया था। मतलब उस रात शायद वो दोनों घर के अंदर मौजूद थे। बबलू को पता होगा कि ये खून किसने किया होगा। राइट। उस की होल से क्या दिखता है सर, बताओ। बीच में ये दीवार है। राइट। मतलब उसने मर्डर नहीं देखा होगा। बबलू ने पहले अर्जुन को फोन किया, उसके बाद आदित्य। मतलब उसने पहले अर्जुन को देखा होगा, जिस सीक्वेंस में देखा उसी सीक्वेंस में फोन भी लगाए। सतीश और लैला वापस घर पहुंचे। कुछ देर बाद सतीश चला गया। सतीश के जाने के बाद अर्जुन वहां पहुंचा। मान लो अर्जुन ने ही लैला को मारा है।
अर्जुन तुम क्यों आए हो यहाँ? चुप बैठ। अब मुझे से कहेगी तू? मुझे धमकी देती है? तुम कभी नहीं बदलोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस बुलाएगी? कैसे बुलाएगी तू पुलिस? हाँ अचानक उसी समय आदि पहुंच गया। अरे तुम हो कहां? अब अर्जुन के पास छिपने के लिए सिर्फ ये दीवार है। से अर्जुन ने नहीं, शायद आदि ने मारा होगा। लैला, अर्जुन, मुझे कुछ कहना है, एक बार मेरी बात सुन लो। तुम अंदर कैसे आए? लेकिन मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तुम बिल्कुल सही थी, मैं ही गलत था। मुझे एक मौका दे दो प्रमिला से बात करने का, प्लीज। हाँ? तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूं। लैला, अंदर कैसे आए तुम? लैला, calm down. I just want to talk to you for a minute. एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करोगे तो मेरी लाइफ, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। प्लीज मेरी बात को समझो। ये सब उस दिन बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। अब निकल जाओ यहाँ से। प्यार से बात कर रहा हूँ तो सर पे चले जा रही है। मतलब मर्डर के वक्त अर्जुन ने सब आवाजें सुनी होंगी या शायद कुछ भी ना सुना हो, ये बस थ्योरी है। लैला, हो सकता है विनोद ने लैला को मारा हो। कौन? वो छोटा लड़का? क्यों, वो भी कर सकता है, वो इसके लिए पूरी तरह काबिल है। जेलसी होना बहुत सामान्य कारण है, भले ही वो एक टीनेजर है लेकिन खुद को बहुत स्मार्ट समझता है। लेकिन अगर वैसा होता तो बबलू उसे जरूर कांटेक्ट करता। अगर वो अपने ही घर पे था तो उसने अर्जुन और बबलू को बाहर आते हुए देखा ही होगा। विनोद के आने से पहले बबलू ने पैसे चुरा लिए और बाजू वाले दरवाजे से निकल गया। लेकिन उसने वो साइड वाला दरवाजा बाहर से कैसे लॉक किया? चालाकी से। हाँ, तुम्हें दिखाता हूँ। फ्रिज में से एक आइस क्यूब गायब है,
मुझे अच्छे से याद है, वही आइस क्यूब उसने बेल पर फंसा कर रखा था ताकि बेल बजे ही ना। बर्फ पिघल भी गई और बेल भी नहीं बजी। माय गॉड, क्राइम छुपाने के लिए इतना दिमाग चला लेते हैं ये लोग। इंसानी फितरत है। फिर तो लगता है अर्जुन ने ही खून किया होगा। फिलहाल तो यही लग रहा है, लेकिन इस वक्त मुझे किसी और चीज की चिंता है। किस चीज की? यामिनी। ये यामिनी कौन है? इस बात पर छानबीन करने के बाद पता चला कि यामिनी का मर्डर 12 साल पहले हुआ था, लेकिन मेरे शक की सुई इस केस पर अटकी हुई है। मुझे लगता है यामिनी का केस इस केस से जुड़ा हुआ है। What? कैसे? फिलहाल नहीं पता। निकल चुका है, 5 सेकंड में सब पे पहुंचेगा। दिख गया। हाँ, मैं सबवे के अंदर ही हूं। अभी मेरे सामने था, पता नहीं कहां चला गया। शायद दाएं गया या फिर बाएं। देखता हूं, प्लेटफॉर्म पे गया होगा। हाँ हाँ, मैं ऊपर ही जा रहा ये मिस्टर विनायक है, ये हमारे केस में मदद कर रहे हैं। हेलो सर, उस खूनी को, मतलब शायद किसी ने उसे देखा होगा, एनी ब्लीड्स? अभी तक कुछ नहीं, पर हम नजदीक है। ऐसी क्या बात है जो तुम यहां चले आए मिस्टर सतीश? एक्चुअली लैला की कोई फैमिली वगैरह नहीं है, उसका अंतिम संस्कार करने की परमिशन चाहिए थी। मैं पूछकर बताती हूं। और कुछ कहना? लैला के अपार्टमेंट में मुझे अंदर जाने की परमिशन चाहिए थी। किस लिए? उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक गिटार स्टिक, मतलब गिटार पिक दिया था। वो अंदर है, मुझे वो लेना था। मुझे हर वक्त आंखों के सामने वो तूफान नजर आता है। मुझे बस 5 मिनट के लिए उसके घर जाना होगा। सॉरी, नॉट नाउ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू, चलता हूं। एक मिनट रुकना, तुम्हें किसी यामिनी के बारे में पता है? नहीं, मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानता। राइट। आपने उसे ये क्यों पूछा? उसका रिएक्शन देखना था, टाइम पास। लेकिन उसने तो कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वो रिएक्ट नहीं करेगा, सीधा जवाब देगा, बहुत ही जल्दी। क्या जाने, बराबर पैसा लेकर आया ना। पता चला है सतीश ने लैला के घर में घुसने की कोशिश की है।
शायद वो गिटार की पिक के लिए। उस पिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसे कुछ और ही चाहिए। मैं देखता हूं। मुझे बस 5 मिनट के लिए अंदर जाना है, एक जरूरी चीज लेनी थी। नमस्ते सर, इतनी रात को? थैंक यू सर। लैला, यहां क्या हुआ था? उस रात क्या हुआ था लैला? क्या मिस कर रहा हूं मैं? उसने मुझे एक गिफ्ट दिया था, एक गिटार स्टिक, मतलब गिटार पिक दिया था। वो अंदर है, मुझे वो लेना था। फोटो निकाल, एकदम क्लियर खींचना। हाँ बाहर ठीक से चेक करो। यस मैडम। सो देखा ना वो क्या कहते हैं, बगल में छुरा गांव में ढिंडोरा। हे उसका इंजन चालू है क्या? सुना क्या? जा कर ले अंतिम संस्कार। होट हाँ चल निकल, काम चोर धरती का बोझ। ए तुम लोगों का बाप मर गया है क्या? चलो निकालो, चलो उठाओ इसको, सब बताना पड़ता है। ए तुम लोग क्या इधर मातम मनाने बैठोगे? चलो निकलो। हाँ सर। सॉल्व हो गया ना?
हाँ सर। कातिल कहाँ है? सुइसाइड कर लिया। ये तुम क्या बोल रहे हो? वो शीशे पे उसने खुद ही लिख के रख दिया था ना कन्फेशन, तो हमने केस क्लोज कर दिया। ओके, कल प्रेस मीट अरेंज करो। हाँ करता हूँ करता हूँ। धक्कन कहेगा दिमाग करता रहता। ए, कल सुबह 11 बजे उन डेढ़ शाने प्रेस वालों को बुला लो। यस सर। जीप रेडी कर। तुम्हारे हर स्केच के पीछे एक अजीब सी कहानी छिपी है, देखकर समझ सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें यहां एक तोहफा देने आया हूं। तलाश खत्म हो चुकी है, ये या फिर ये। मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं सतीश, मैं बस एक नजर में खामोशी के मायने समझ जाता हूं। नजर और जुबान पर कंट्रोल होना चाहिए, वरना दोनों एक साथ धोखा दे देती हैं। टोटल कंट्रोल होना चाहिए, अचूक नियंत्रण। जुबान ने धोखा दिया, तुमने गिटार पिक को गलती से गिटार स्टिक कह दिया था। उस दिन मर्डर की रात ठीक 11 बजे रिसेप्शन पर टैक्सी का वेट करते हुए तुम लैला की चीख सुनकर अंदर भागे। तुमने और मांजरेकर ने लैला को दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसका खून हो चुका था। तो उसने जवाब कैसे दिया? तुमने पहले से लैला की रिकॉर्ड की हुई आवाज का इस्तेमाल किया। कुछ नहीं, उफ़ो, कुछ नहीं है सतीश, एक परछाई देखकर डर गई थी मैं, और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ अब, तुम चलो कल मिलते हैं। और वो आवाज सच में लैला की ही थी। मांजरेकर को भी यही लगा। अंदर से आवाज सुनकर मांजरेकर को भी भरोसा हो गया कि लैला अंदर ही है। तुम्हारा काम हो गया, गवाह मिल गया। मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले ही की थी तुमने, प्लान किया हुआ मर्डर। एग्जैक्टली 12 मिनट 42 सेकंड बाद ही अंदर से लैला की चीख सुनाई दी। लैला, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं हुआ सतीश। लैला तुम दरवाजा खोलो प्लीज। ओफो, परछाई देखकर डर गई थी बस, अब ठीक हूं मैं। Are you sure? हाँ बाबा, तुम चलो कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय। तुमने लैला का कत्ल करने के बाद घर को सेटअप किया। लैला के फोन से अर्जुन को मैसेज करके तुम टैक्सी के लिए रुके थे, लेकिन अचानक से कुछ हुआ जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लैला के फोन से अर्जुन को बाजू वाले दरवाजे से तुमने अंदर आने को कह दिया, लेकिन वो दरवाजा पहले से ही खुला था। अब तुम्हें थोड़ा शक हुआ कि लैला के कत्ल के वक्त कोई तीसरा इंसान भी अंदर था। वही क्रॉस चेक करने के लिए तुम पुलिस स्टेशन आए। तुम जान गए कि वो तीसरा इंसान बबलू ही था। और तुमने बबलू को भी खत्म कर दिया। अब जरूरत थी एक झूठे शिकार की, एक बकरा। लैला और अर्जुन के झगड़े के बारे में तो पहले से जानते थे, तो तुमने अर्जुन को ही सेटअप करके मार डाला। कौन है?
तू जानता है तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। इस जीवन काल में तुझे मुक्ति देने के लिए मुझे चुना गया है। क्या? आरंभ अंत के बिना अधूरा है, है ना अर्जुन? और उसे ओवरडोज देकर केस क्लोज कर दिया। लेकिन एक शख्स ना होकर भी इस केस से जुड़ा हुआ है, यामिनी। यामिनी और लैला का मर्डर कैसे जुड़ा है? यामिनी का खून तुमने किया, ये लैला को पता चल गया था क्या? किसी का खून करना इस दुनिया का सबसे अद्भुत अनुभव है मिस्टर विनायक, और यह अद्भुत अनुभव लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, इसे बस महसूस कर सकते हैं। भैया मुझे ढूंढ लेना, मैं जाकर छुप रही हूं। लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि जिस्म के सुख से परे कौन सी चीज आत्मा को सुखी करती है। मैं वो संदूक खोलने ही वाला था, लेकिन मुझे देखना था कि उस बंद संदूक में वो कितनी देर जिंदा रहती है। वो चीखने लगी और उसका रोना सुनकर मेरी आत्मा को सुख मिला, और तब मेरी समझ में आया यामिनी तो बस एक माध्यम है, आत्मा को सुख देना मेरे हाथ में है। संदूक खोलने की मेरी इच्छा पर मैं कब तक काबू कर सकता था? जानते हैं मैं अंधा पैदा हुआ था, पहले 2 सालों तक मैंने सिर्फ अंधेरे को ही जाना है। तब मैंने मेरी आसपास की दुनिया सिर्फ आवाज के जरिए देखी, मैंने अपने माँ बाप को कभी देखा ही नहीं। कहते हैं किसी प्लेन एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी, बचपन से अकेला ही था, और फिर अचानक यामिनी मेरी जिंदगी में आई।
लैला ने वो आवाज छीनने की कोशिश की। हेलो सतीश, क्या हुआ तुम्हें? यामिनी कौन है? मुझसे सवाल करने लगे। प्यार करते हो उससे? वो जितने जोर से सवाल करती यामिनी की आवाज उतनी ही दब जाती है। और यामिनी नाराज हो गई। जवाब दोगे मुझे? हम में से एक को चुनना होगा, मार डालो उसे। मुझे लैला को आजाद करना पड़ा है ताकि यामिनी मेरे साथ रह सके हमेशा। यामिनी मेरी है और मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। तुम एक पागल दरिंदे हो। वो तो हम सब हैं। अरे आराम से, आराम से प्लीज। आप क्या कर रहे हैं? आप चिल्लाइए, चिल्लाइए मत, बस एक एक करके पूछो रे। माइक मुंह में घुसेड़ोगे क्या? आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन खूनी है? हमें जो सबूत हासिल हुए हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस खून के पीछे अर्जुन का ही हाथ है। इतना ही नहीं, उसने जो गुनाह किया उसकी वजह से घबरा कर या पछता कर उसने सुइसाइड कर लिया। क्या आपको सच में सबूत मिले हैं क्या सर? जरा रुकिए, विस्तृत रूप से जानकारी आप लोगों को बाद में दी जाएगी। ये प्रेस मीट खत्म होती है। थैंक यू। आप सबको जानकारी दे दी जाएगी। आप लोग जाइए। क्या रे तुम लोग, बोल दिया ना, हो गया, चलो जाओ जाओ बस। संध्या, ये क्या हो रहा है? केस सॉल्व हो गया सर। उन्होंने अर्जुन का कन्फेशन मानकर सबूत पेश करके केस क्लोज कर दिया है। लेकिन अर्जुन ने ये खून किया ही नहीं है। लेकिन सतीश ने किया, इसका भी तो कोई सबूत नहीं है। ऑडियो नंबर 3 सुनो, एग्जैक्टली 12:42 पर फॉरवर्ड करके सुनो। अब तुम्हारा केस सॉल्व हो चुका है। कुछ नहीं सतीश, डोंट वरी। अरे एक परछाई देखकर डर गई थी मैं, और कुछ नहीं। आई एम ऑलराइट नाउ। ऑफ कोर्स, अब तुम जाओ, हम कल मिलते हैं। मैडम। सर से मिलना है। बस थोड़ी देर रुकिए, साहब किसी के साथ हैं। ठीक है। मैडम आपको बड़ा साहब से मिलना होगा। हाँ मैंने बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं। संध्या को जरा अंदर भेजो। यस सर। मैडम, सर आपको अंदर बुला रहे हैं। प्रेस वालों को मैं अभी सच्चाई सुना कर आया हूं, और तू कह रही है कि वो सच्चाई है ही नहीं। क्या है रे, है? 5 लंबे सालों के बाद मुझे प्रमोशन मिल रहा है, तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या संध्या? नहीं सर, इस केस का असली सबूत तो यहां है, अगर आप बस एक बार सुन ले तो। तेरी समझ में नहीं आता क्या है? कितनी बार बताऊं, क्या करूं वो सुन के मैं, कचरे में फेंक दे? एक दो मैडम, केस क्लोज हो चुका है, अब दूसरे केस पे ध्यान दे, समझी क्या? ओए सर। सर वो फाइल मेरा सुट्टा ला पहले। ओके सर। किसी काम के नहीं है निकम में। जरा सुनना, ये
लैला का खून तुमने ही किया है इस बात का मेरे पास सबूत है। पार्क के बाजू में जो गली है वहां पर आ जाओ, अकेले आना।